कैसे तबीयत है दादी? बस ठीक हूँ बेटा। ख्याल रखा करें। मैं ख्याल रखा करूँ? इस घर में किसी को मेरा एहसास ही नहीं। जिंदगी के जो चंद दिन रह गए बाकी वो गुजार रहे हैं। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? सब आपको बहुत ख्याल करते हैं और मैं भी आपके लिए सूप भी बनाऊंगी। नहीं, दादी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो ऑफिस की मुझे ज़रा फाइल चाहिए क्योंकि टैक्स वगैरह जमा करवाना है। चल मैं चल कम से कम इस मसले को तो हल करूँ। मैं तेरा बच्चा बिल्कुल मेरे जहर की परछाई है। वो भी ऐसे मेरे पास आकर बैठ जाया करता था। इस सिर्फ जहीर की परछाई नहीं, जहीर की तरह सारी जिम्मेदारियों को भी समझता है और निभाता है। बेटा तुम दोनों से मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी, लेकिन देखो ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गया ना तुम दोनों? अच्छा वो मैंने उन्हें वकील साहब से बात की थी, मैं उसे कह दिया सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दे। और समीना बेटा तुम इसकी सरपरस्त होगी। वो मैंने इसलिए किया कि वहाँ कभी अपने बेटे के साथ ज्यादती नहीं करेगी ना। बस भरोसा था तुम पे, इसलिए मैंने तुमको सरपरस्त करार कर दिया। अब जब ये 18 साल का हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह सारी जायदाद इसके नाम हो जाएगी, फिर कोई फिक्र नहीं रहेगी। माँ लेकिन ये सब कुछ हबीब से कब तक छुपा रहेगा? कुछ नहीं होगा, परेशानी की क्या बात है। अभी वो गुस्से में, अभी उसको बताना सही नहीं है, बाद में बता देंगे इसी सही वक्त पर। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप आगे आने वाली हमारी कितनी मुश्किलों को आसान करती हैं। यही जाना तुम मेरे जहीर के बच्चे हो, तुम मुझे मुझसे वादा करना होगा तुम बेटा। मेरे जहीर की मेहनत और मोहब्बत को कायम रखना, इस घर को बिखरने न देना बनी जान। वादा करता हूँ दादी मैं आपसे। खुश हूँ